एचआर फार्मिंग देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आपने जैसा कि वीडियो में देखा होगा कि गोभी की कटाई चल रही है और सारा दिन इसी में निकल जाता है। नई वीडियो नहीं लेकर आ रहा था मैं आपके साथ, तो ये जो है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर आपके साथ में लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा कॉल भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो अटेंड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो टाइम निकाल कर बना ली जाए। तो साथियों, आज की वीडियो आपकी डिमांड के ऊपर है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, फूल गोभी की जो लास्ट आ चुका है, अभी लगभग 30% किसानों की जो है फूल गोभी अभी बची हुई है और 70% कट चुकी है दोस्तों। तो अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान, तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि जो चिकोत्रे हैं, जिन्हें चप्पल कद्दू बोला जाता है, टिंडे बोला जाता है, उसकी हमें जानकारी दो, क्योंकि मैं जो है 5 किले में चप्पल कद्दू लगा रहा हूँ और पिछले साल भी मेरे पास था, तो उनका कॉल आ रहा था कि कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया रहेगी और कब लगाई जाती है और लगाने से पहले उनमें जो है कौन सा खाद डाला जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि मैं कौन सा बीज लगाने वाला हूँ, उस बीज की क्या खासियत है, कब लगाया जाता है और 1 किले में कितना बीज लगता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया बीज मेरे को लगा, तभी मैं इस बीज की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। अदरवाइज जो बीज बेकार होता है और जिस बीज में रोग होता है, मैं उस बीज की बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाता, और जो मैं मेरे खेत में लगाता हूँ सिर्फ उन्हीं वैरायटियों की वीडियो मैं बनाता हूँ। अदरवाइज आपने मेरे चैनल पर देखा होगा, किसी भी वैरायटी की मैं ऐड नहीं करता, किसी भी अदर वैरायटी को मैं नहीं लगाता और किसी भी अदर वैरायटी की मैं वीडियो नहीं बनाता। जो मैं मेरे खेत में बोता हूँ मैं सिर्फ उसी की वीडियो बनाता हूँ साथियों, और उससे रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो वैरायटी है इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली खासियत है ग्रोथ की, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसमें, और वैरायटियों की तुलना में ग्रोथ ज़्यादा है। ग्रोथ का क्या फायदा है, जितनी जल्दी पौधा ग्रोथ करेगा उतनी ही जल्दी फ्रूट आएगा साथी, और उतनी ही जल्दी फ्रूट उनमें बढ़ना शुरू होगा। सबसे पहली खासियत ये। दूसरी खासियत है पत्ते चौड़े हैं साथियों, और वैरायटियों की तुलना में इसके पत्ते चौड़े हैं। पत्ते चौड़े होने के कारण जब ओस गिरती है, धुम्मर आती है, तो ओस गिरती है और ओस का पानी फूल में नहीं बढ़ता। अगर फूल में पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि उसमें गलन चालू हो जाती है, फ्रूट का पीछे का हिस्सा वो गल जाता है। लेकिन इस वैरायटी में ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है साथियों, क्योंकि इसका जो मुंह है पीछे से वो छोटा है, जिससे क्या होता है कि इनमें जो पानी है उसका वो नहीं बढ़ पाता फूल में, और जिससे फ्रूट गलता नहीं है बिल्कुल भी। ये सबसे बड़ी इसकी जो है, जो मैं कह प्लस पॉइंट कह सकता हूँ मैं। और तीसरी मैं आपको बताना चाहूँ कि और वैरायटियों की तुलना में इसके जो फ्रूट हैं वो हार्ड फ्रूट है साथियों, हार्ड कह सकते हैं, हार्ड करड़े फ्रूट है, जिससे इसमें गलन बिल्कुल भी नहीं होती। और चौथी मैं खासियत बताना चाहूंगा साथियों कि ये जो है पिछले साल मेरे पास था और खत्म होने के बाद जो है दोबारा से शुरू हो गया साथियों, यानी खत्म हो गया, मैंने नदी का पानी लगाकर प्रयोग कर दिया, यानी पूरा खेत पानी का भर दिया, उसके बाद फिर से चालू हो गया और 1 महीने लगातार मैंने फिर से चप्पल कद्दू तोड़ी। ये खासियत मेरे को इसको सबसे बढ़िया लगी, इसी वजह से जो है मैं इसको अब की बार अपने खेत में फिर से लगाने वाला हूँ साथियों। और पांचवी में बताऊंगा रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है इस बीज की। हाँ साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस बीज की और वैरायटियों से ज्यादा है, यानी इसमें रोग जो है नाम मात्र के आते हैं साथियों। और वैरायटियों में 4 से 5 सफरे करेंगे, इसमें सिर्फ 2 या 3 सफरे ही आपको करनी पड़ेगी साथियों। ये सबसे ज्यादा खासियत बात लगी मेरे को। और छठी बात मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये लंबे टाइम तक चलती है और इसका जो फ्रूट है, और वैरायटियों के जो फूल जो फ्रूट होते हैं वो काले हो जाते हैं लास्ट के टाइम में, बिल्कुल हरे कह सकते हैं आप, बिल्कुल हरे हो जाते हैं। एक तो ग्रीन होता है जो हल्का हो रहा था, लेकिन ये जो बिल्कुल हरे हो जाते हैं और वैरायटियों के, लेकिन इस वैरायटी की जो है फ्रूट लंबे टाइम तक चलता है और हरा नहीं होता साथियों। तो हरा नहीं होगा तो मार्केट में जल्दी बिकेगा। जो किसान इसको लगातार लगा रहे हैं, यानी चप्पल कद्दू लगा रहे हैं, तो उनको पता होगा कि हरापन लास्ट में क्यों आता है साथियों, वो ज़्यादा गर्मी की वजह से आता है। लेकिन इस वैरायटी में गर्मी रोकने की, गर्मी को सहन करने की क्षमता ज़्यादा है। ये सभी इसकी खासियत है साथियों, और ये मेरे को सबसे बढ़िया लगी। और चप्पल कद्दू में अगर ये खासियत है, वो बीज सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है साथियों। आपको बताता हूँ बीज के बारे में साथियों, ये नोबल कंपनी का
जो है गोल्डी नाम से आता है, एक किंग नाम से आता है, एक गोल्डी नाम से आता है। तो नोबल कंपनी का सबसे जबरदस्त बीज है साथियों गोल्डी, आप गोल्डी बीज लगा सकते हैं। और साथियों मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ कि पिछली बार जो मैंने हार्वेस्टिंग की थी, तुड़ाई की थी, तो जो है पिछली बार इसका जो रिजल्ट मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा साथियों। तो इस बार मैं इसको लगाने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है साथियों, और प्रोडक्शन बढ़िया है, और इसका जो कलर है फ्रूट का वो भी बहुत बढ़िया कलर है। वो इतना बढ़िया कलर क्यों आता है वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया साथियों। नोबल कंपनी का गोल्डी नाम से बीज आता है और मैं इसको लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ये था पिछली बार, तो अब की बार भी मैं इसको लगाऊंगा। और लगाने की वजह भी मैंने आपको बता दी कि ये लंबे टाइम तक चलता है, फ्रूट बहुत बढ़िया है, गलन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ना मात्र की गलन है साथियों, बिल्कुल भी गलन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी गलन नहीं है इसमें। और साथियों वैसे सबकी अलग अलग चॉइस होती है, कोई किस बीज को पसंद करता है, कोई किस बीज को पसंद करता है। बाकी ये जो वीडियो है आपके कमेंट के ऊपर, आपकी कॉल के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर लेकर आया था। तो साथियों मैं जो बीज लगाने वाला हूँ वो है गोल्डी, नोबल कंपनी का है साथियों। ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी बहुत जल्द आने वाला है। पार्ट टू में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खत्ते कैसे काटे जाते हैं, बीज से बीज की दूरी कितनी होती है, बीज जो है खेत में चोबने के बाद पानी कितनी मात्रा में देना है, और खत्ते मंडाने से पहले कौन सा खाद डालना जरूरी है साथियों, और कौन से महीने में आप जो है बीज बो सकते हैं साथियों, ये वीडियो भी बहुत जल्द आपके साथ लेकर आने वाला हूँ। तो पार्ट वन आप जरूर देखें, पार्ट टू भी बहुत जल्द आपके साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि टाइम का अभाव है थोड़ा साथियों, क्योंकि अभी प्रोडक्शन गोभी का चल रहा है और टाइम थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो रहा था, फिर भी आपके साथ वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है साथियों, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगली वीडियो में।